नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं यहाँ पे पूजा करने आई हूँ। नहा ली, घर पोछ ली, झाड़ू लगा ली और मैं आज फूल लाने गई थी, तो ये देखो मुझे इतना फूल मिला और फूल भी लेकर आई। अब मैं पूजा करने के लिए चल रही हूँ और मेरे हस्बैंड नहाने गए हैं, तब तक वो नहा कर आएंगे। मैं तब तक मंदिर को थोड़ा साफ कर देती हूँ। और मेरी बुलबुल नीचे खेल रही है, तो बुलबुल तो मेरी बुलबुल नीचे खेल रही है अभी, उसके बिछा दी नीचे और आराम से नीचे खेल रही है। अब चलते हैं, पहले माता रानी का पूजा कर लेते हैं क्योंकि मेरा दिन का शुरुआत तो माता रानी से ही होता है। तो चलते हैं पूजा करने, बर्तन धो लेती पहले भगवान का। जय माता रानी। तो आते हैं पूजा करने के बाद फिर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा पूजा हो गया है और मैं फूल उल भी चढ़ा दी माता रानी पे और ये मैया तुलसी। और अभी बना रही हूँ मैं चाय, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। अरे मेरा पैर से दब गया, देखिए चाय बना रही और मेरा चाय गिर गया थोड़ा सा। ये मेरी बुलबुल है ना, बहुत बदमाशी करती है, कुछ भी काम नहीं करने देती है। तो ये देखिए चाय बना रही है और आज मेरा पति पूजा नहीं कर पाए, बेचारा शांत से पड़े हुए। तो चलते हैं देखते हैं पति को, आज पूजा नहीं कर पाए, हर रोज बजरंगबली का पूजा करते हैं। आज बुलबुल के वजह से पूजा नहीं कर पाए। अभी कुछ ज़्यादा बोलूँगी तो डांट मिल जाएगा क्योंकि आज शनिवार था, अपना बजरंगबली का मन से पूजा करते हैं और आज इनकी जगह मैं पूजा कर ली सबसे पहले, इसीलिए है ना। हाँ ये जी चलो गुस्सा नहीं हुए। तो फ्रेंड्स मैं चाय हो रही हूँ रेडी, अब चलते हैं उनको थोड़ा चाय दे दूँगी क्योंकि उनको ड्यूटी भी जाना है अभी। अरे अरे खांसी आ गई मैं बच्चा को। अरे मेरे बुलबुल कुछ बोल रही है अपने भाषा में, क्या बोल रही सोना? वो भी उतरना चाह रही है गोदी से और खेलना चाह रही है, तो उसको उतारूंगी फिर। तो चल रही हूँ चाय देने, ये लीजिए चाय चाय। हाँ हाँ तुम्हारे लिए भी है, अभी तुम चाय नहीं पियोगी। बन गया मेरे यहाँ चाय और देखिए अपने पापा के साथ खेल रही है बुलबुल। ओहो क्या कर रही है तू? हाँ बस पापा में घुसी रहती है दिन भर। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मेरी बेबी है जो रो रही थी नीचे जाने के लिए, बोल रही थी पार्क में ले जाने के लिए, मतलब बात तो कर नहीं सकती लेकिन इशारा करती है इसलिए रो रही थी पार्क में जाने के लिए। तो मेरी बुलबुल इसलिए रो रही है क्योंकि उसे नीचे जाना है। तो बताइए आप ही सब बताइए कौन उसको सुबह सुबह नीचे लेके जाएगा? और क्या इसको लेके जाऊंगी तो फिर मेरा खाना कौन बनाएगा? और ये बहुत तंग करके रख देती है, अभी नीचे जाने के लिए रो रही है बार बार। अभी थोड़ी बड़ी हो रही है तो इशारा भी करने लगी है, ऐसे ऐसे करती है, मतलब बाहर जाने के लिए इशारा करती है वो। कुछ दिनों के बाद शायद बोलना भी शुरू कर देगी, है ना बुलबुल? तो ये मुझे तंग करके रखती है। तो चलती हूँ मैं आज साग बनाने, लाल वाला साग। आप लोग देख सकते हैं ये साग का आज सब्जी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ साग काट लेती हूँ जल्दी जल्दी, और थोड़ा इस साग को ना बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो इसीलिए मैं पहले ही लेके बैठी हूँ, नहीं तो फिर वो आएंगे, उनको उनको तो रहता है हमेशा जल्दीबाजी रहती है, जल्दी जल्दी बनाओ नहीं तो मैं ऐसे ही जाऊँगा, फिर इसलिए जल्दी जल्दी बना लेती हूँ मैं, नहीं तो आएँगे तो फिर उनका एक नखरा रहेगा। और अभी मैं बुलबुल को यहीं पे लेटा दी हूँ, अभी तो वो फिलहाल खेल रही है, बिजी है, कहीं फिर से उसको याद आ जाएगा नीचे जाने के लिए तो फिर रोना शुरू कर देगी। तो अभी उसको
सेरेलैक्स खिला दी हूँ, अभी वो खेल रही है और यहीं आ रही है मेरे पास। बाबू ही नहीं खाते। तो फ्रेंड्स, आप लोग कौन कौन ये साग खाते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। मैं पहले ना साग नहीं खाती थी, मतलब कि मुझे ना साग से ना बहुत इरिटेशन था। मम्मी मेरी बनाती थी हमेशा, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। इवन यहाँ पे मेरे ससुराल में भी मेरे मतलब जो घर के आगे जो गार्डनिंग कर रखे हैं उसी में ये हमेशा निकलता है, हमेशा ये मतलब बनाते रहते हैं घर पर। मैं नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती थी। मैं दूसरा चीज़ बना कर खा लेती थी लेकिन ये नहीं खाती थी। लेकिन अभी कुछ समय से ना मुझे ये सब साग और पालक और मतलब कि कोई भी टाइप का साग ना बहुत पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों। पहले अच्छा नहीं लगता था पर अब अच्छा लगने लगा है मुझे ये साग वाग, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है साग खाना, तो शायद मुझे भी उनको देख देख कर ना मेरा आदत बन गया है। अब वो खाते हैं, बोलते वाह क्या बात है, क्या बात है, कितना अच्छा लगता है साग। तब से जब भी खाएंगे वो, और वो जानते हैं कि मैं जो नहीं खाऊंगी उसी का जान बुझ कर तारीफ़ करेंगे ताकि मेरा भी मन करे फिर। और फिर मैं उनका देख देख कर अब मुझे भी पसंद आने लगा। आप हमेशा वो साग लाते हैं घर पे, सब्ज़ी से ज़्यादा साग ही लाते हैं वो, और मैं सबसे ज़्यादा यही बनाती हूँ। कभी पोइया का पत्ता का साग लाते हैं, कभी करमी का साग लाते हैं, कभी पालक लाते, तो कभी ये वाला साग लाते, तो इसमें जो ग्रीन वाला होता है वो भी लाते हैं। हम लोगों का बिहार साइड एक सिरंटी का साग होता है, पता नहीं यूपी में उसको क्या कहते हैं, लेकिन वो साग भी मेरी मम्मी बनाती थी। एक दिन मुझे मिला था कैंटीन में, तो मैं लेकर आई थी वो, और उसका भी स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं ये साग काट लेती हूँ जल्दी जल्दी, थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है और फिर इसे धोना भी पड़ता है बहुत अच्छा से। अच्छा से नहीं धोएंगे तो फिर मिट्टी मिट्टी लगेगा, तो इसे काटने के बाद में धोऊंगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी भी लगा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैं साग काट रही थी और कैसे ये पूरा गंदा कर दी, देखिए पूरा सत्यानाश करके रख दी, पूरा गिरा के रख दी। ये बताइए कौन ऐसा बच्चा करता है इतनी शरारत, शरारती करती है बच्ची, मेरा पूरा दिमाग का दही कर करके रखती है ये दिन भर। मैं उसको वहाँ पे बनाना दे दी हूँ खाने के लिए, लेकिन वो नहीं, ये कच्चा वाला, ये कच्चा वाला ही बनाना चाहिए इसको। ये देखिए आंटी, नीचे जाने के लिए उस समय से कर रही है ये। आप सब देखें मेरी बच्ची कैसे साग पूरा गिरा के रख दी। ये ऐसा ही करती है, मुझे कुछ भी काम तक नहीं करने देती, बाहर जाने के लिए रो रही है नीचे। बताइए कौन उसको इतना सवेरे सवेरे नीचे लेके जाएगा। अब उसका आदत हो गया है, कल अपना पापा का साथ नीचे जाकर टहल रही थी। पापा आएंगे तो तुम्हें लेके जाएंगे नीचे, ठीक ना? नीचे जाएगी। अभी मम्मा नहीं लेके जा सकती, बहुत नीचे का आदत लग गया इसका, देखिए चढ़प रही है बंदर की जैसे। आप भी तो तू इतनी ही छोटी सी है, पता नहीं जब चलना शुरू करेगी तो क्या करेगी, टांग टप मचा के रख देगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं भी नीचे यहाँ रखी हूँ पार्क के साइड, ये मेरा बिल्डिंग है जिसमें रहती हूँ। और ना पता है आपको, ये इतना ज़्यादा तंग कर दी बुलबुल मुझे घर में। मैं नाश्ता बनाने का तैयारी कर रही थी कि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करके बना देती हूँ, इतना ज़्यादा रोने लगी, साग वाग मेरा सब फेंक दी और फिर चुप ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी। नीचे जाने का मतलब रोने, रो रही है, इशारा कर रही है नीचे आने के लिए। बोल तो पाती नहीं है लेकिन हाथ से इशारा करती है कि इसको नीचे आना है। तो अभी नीचे लेकर आई और इसको झूला झुला रही थी, तो अभी झूला झुलाई हूँ, अभी चुप है नीचे आकर। ये देखिए आप लोग कैसे चुप है, अभी फिर जाना चाह रही है वहाँ पे, नहीं जाएंगे अब वहाँ। पार्क में ना बहुत ज़्यादा ना लंगूर आ रखा है, और लाल मुंह वाला लंगूर है, ये लोग मेरा फ़ोन खींच के ले जाएंगे या मार देंगे, बस हो गया। क्योंकि अभी उन लोगों का समय ही है ना मॉर्निंग में, वो लोग हर रोज़ मॉर्निंग में आते हैं अपना मॉर्निंग वॉक करने के लिए, पूरा झुंड में आते हैं उन लोग। कोई झूला झूलते हैं, कोई स्लिप स्लॉप करते हैं, तो कोई पेड़ पे लटकते रहते हैं, और
सब आकर बैठे रहते हैं यहाँ पे, और ये मेरी बुलबुल है जो मुझे तंग करते रहती है। इसको यहाँ पे झुलाना चाहिए। अभी इसका पापा का भी आने का समय हो ही गया है, अब ऊपर जाना पसंद नहीं कर रही है ये। मैं क्या करूँ, और नीचे धूप भी है बहुत ज़्यादा, और इसको यहाँ पे मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स चलते हैं ऊपर, क्योंकि ये बच्चे जो है ना, देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे को, शांत है अभी, और रूम में जाते ही फिर से चिल्लाना शुरू करेगी। एक तो इसका पापा आने से फिर हल्ला करेंगे कि मेरा नाश्ता नहीं बना, और एक इनकी बच्ची है, जैसे पापा हो वैसे बेटी, देख सकते हो आप सब। इसको देखने में बहुत मासूम सी है पर है नहीं। अब देखती हूँ नीचे से आई हूँ लेकर, रोती है ना हंसती है या क्या करती है। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं यहाँ पे साग का जो डंडा था ना उसे काट चुकी हूँ, अब इसे मुझे धोना है, तो मैं इसे अच्छा से पहले धो लेती हूँ। और धोने के लिए मुझे जैसे भी 5-7-8 पानी का ज़रूरत पड़ता है, तो उसको अभी अच्छा से पहले धोना पड़ेगा, तो मैं अभी धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं साग को अभी स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैगी खाना है उन्हें, तो मैं उनके लिए मैगी बना देने, क्योंकि लेट आए हैं और उनको फिर लेट हो जाएगा साग वाग बनाने में, इसी के लिए बोले कि साग मैं चावल के साथ खाऊंगा, तो तुम एक काम करो तुम मैगी बना दो। तो इसीलिए मैं अभी चल रही हूँ मैगी बनाने के लिए, और उनको अभी मैगी बना कर ही दूँगी। और मैं बताऊँ आप लोगों को, तो देखिए मेरे घर में टंगना बना कर रखे हुए, क्योंकि यहाँ पर ना बिन बुलाए बरसात आती है, तो इसी के लिए बरसात एनी टाइम भी मतलब आ जाती है यहाँ पे, इसी के लिए यहाँ पे घर में ना टंगना बना के रखे हैं, क्योंकि हम लोगों का कपड़ा तो फिर भी बाहर डाल देंगे, पर मेरी बेबी का कपड़ा अगर नहीं सूखे ना तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसी के लिए उसके पापा उसके लिए खास करके टंगना बना दिए हैं, और उसका कपड़ा टंगना में डाल देते हैं, और फिर पंखा चला देने के बाद में उसका कपड़ा रात भर में सूख जाता है, और एक दिन में तो वो बहुत ज़्यादा कपड़ा गीला भी करती है। तो अभी चलते हैं मैगी बनाने के लिए, और उनको मैगी बना के दे देती हूँ, उसके बाद मैं साग को धोकर अच्छे से और फिर बनाऊँगी दिन के लिए। तो आप लोगों के साथ इसका रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं मैगी। अभी फ्रेंड्स मैं बर्बन बिस्किट खाई, और अब मैं एक नया बिस्किट खोलने जा रही हूँ। देखो आप लोग, ये है, और ये ना शुगर फ्री है, तो ये वाला खा के देखती हूँ कैसा है। ये बहुत स्ट्रॉन्गली पैक है, कैसा वाला पैकेट है। मुझे ना बिस्किट बहुत पसंद है, इसमें ऐसा बिस्किट है तो ज़्यादा मीठा नहीं होगा। ये तो बिस्किट महंगा भी है, टेस्टी भी नहीं है इतना। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरी बुलबुल कैसे लटक रही थी खिड़की में, जब उसके पापा ड्यूटी जब जा रहे थे नाश्ता करके, उसके बाद वो खिड़की से देख रही थी अपने पापा को, चिल्ला रही थी, और वो ऐसे ही हमेशा देखते रहती है, खुद से खिड़की को पकड़ के खड़ी हो जाती है और अपने पापा को देखते रहती है। तो फिर इसके पापा कभी कभी इसको नीचे भी लेके जाते हैं ना, जाते वक्त ड्यूटी मैं भी इसको लेके जाती हूँ, इसीलिए ये भी जाने के लिए चाह रही थी। तो ये देखिए अपने पापा को देख कर खुश हो रही थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर आती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते ऑल ऑफ़ यू।